गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। आज मैं जिस प्लांट के सामने खड़ी हूँ वो एक मेडिसिनल प्लांट है। ये हर सिंगर या पारिजात या बंगाली में शिवलिंग प्लांट कहते हैं। देखिए इसके पत्ते, देखिए खसखसी सा, देखिए किसका इसका पत्ते देखिए किस टाइप का होते हैं। और इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। जिन लोगों का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम या पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके पत्ते है ना, इस पत्ते को आप पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाकर इसे पानी में मिलाकर सुबह पी लीजिएगा, सब बीमारी गायब हो जाएगा 6 महीने के अंदर। इसके पत्ते का जो जूस होते हैं वही जूस थोड़ा कड़वा होते हैं, इसीलिए इस पत्ते को जब आप पेस्ट करेंगे तब ये जो कारी बनते हैं इसमें डाल दीजिएगा। छोटा बच्चा ठीक से पी नहीं पाते क्योंकि कड़वा होते हैं। एक पत्ता डालिएगा, एक पत्ता पेस्ट करके डालिए, बस यही से ही काम बन जाएगा। इसको नाइट जैस्मिन बोलते हैं क्योंकि ये रात में खिलते हैं और सुबह 3-3:30 बजे गिर जाते हैं। देखिए इसका फ्लावर, देखिए मैं अभी उठाया, नीचे से गिरा था। और देखिए इसके पेटल देखिए, और पीछे से ऑरेंज देखिए, यही इसकी खूबियां है। देखिए और शुरू हुए इसीलिए कम हुए, और भी ज़्यादा होगी। देखिए कितनी कलियां है सब, और ऊपर भी देखिए, देखिए ऊपर सब फूल लगे हुए, सुबह ही खिलेगी, खिलकर गिरेगी, ये देखिए। किसी को बुखार हुए क्या मलेरिया हुए तो इसके पत्ता सेवन करना चाहिए, पीसकर उसका जो रस ये सेवन करने से बुखार उतर जाते हैं। ये एक बढ़िया है, और आयुर्वेद में भी इसका बहुत यूज होते हैं, वो लोग यूज करते हैं, दवाई बनाते हैं। ये हरसिंगर का प्लांट 20 फुट या 25 फीट हाइट में होते हैं। मेरे यहाँ देखिए एक गमले में है, इसीलिए ज्यादा बढ़ नहीं पाए, मैं इसे गमले में लगा दिए। ये तो नर्सरी वालों मुझे बोला था ये 12 मासी होगी, लेकिन अभी तक इस टाइम पे मतलब सितंबर के लास्ट वीक क्या अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं इसका फ्लावर, मैं देख रही हूँ। पता नहीं ये और किस महीने में फूल देगी, मुझे नहीं पता। 2 साल से ये फूल दे रहे हैं मेरे ही आकर। वेस्ट बंगाल में ये इस प्लांट, ये हरसिंगर का प्लांट हर घर घर में मिलते हैं, सब लोग जानते हैं इसको, और इसके सीड बनते हैं, इतना इतना सा बड़ा बड़ा सीड होते हैं। सीड से ये ग्रो करते हैं, या डाली काट कर लगा दीजिए, इसमें भी ग्रो कर सकते हैं। तब कब करना है, जुलाई अगस्त में आपको लगाना है। इसके खुशबू, इसके फूल की खुशबू इतनी अच्छी है, जो हम लोगों तो इसके खुशबू से फिदा है, लेकिन स्नेक भी आते हैं इसके खुशबू सुनकर। बढ़िया बात है, मेरी मामी बोलती थी। दोस्तों देखिए ये मेरा 15 इंच का गमला है, क्योंकि ये बड़ा होते हैं इसीलिए मैं बड़ा में लगा दिया, ये बड़ा ही था थोड़ा। इसके मिट्टी के बारे में बात करूं तो देखिए 40% सैंडी सॉइल बालू मिट्टी, 50% कंपोस्ट, 10% मैं थोड़ा नीम खोली, बोन मील और एंटी फंगल पाउडर मिलाकर इसके मिट्टी बनाई थी। और इसके मिट्टी भुरभुरी सा होना ही चाहिए, हल्का सा होना चाहिए। ये तो मेरे छत के ऊपर है इसीलिए ज़्यादा वेट नहीं देना चाहिए। मैं सब गमला में जैसे बनाती हूँ भुरभुरी सा, ऐसा ही मिट्टी मैंने बनाया। और देखिए इसके ऊपर कितने टर्टल वाइन हो गया, सब टर्टल वाइन के वीडियो बनाते हैं, और मेरे यहाँ पूरा छत पे टर्टल वाइन। देखिए ये हैंगिंग में बहुत अच्छा लगता है, देखिए
इसके लिए कोई अलग करके केयर करना नहीं पड़ता, ऐसे ही हो जाते हैं। देखिए ऐसे ही फैल जाते हैं, पूरा साइड पे साइड पूरा फैल जाते हैं। इसके पानी में बारे में बता दूं तो इसका मिट्टी जब सूख जाए आप लोग पानी दीजिए, और पानी ऐसे ही देना है इसके नीचे से बाहर निकल जाए, अंदर जमना नहीं चाहिए। इसके पत्ता देखिए, इसके पत्ता के ग्लेज बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन और इसके ग्लेज ठीक रखने के लिए आप लोग 2-3 महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच मिलाकर सुबह सुबह स्प्रे कर दीजिए। ये जमीन में जब रहते हैं तब इसके ऊपर फुल सनलाइट पड़ते हैं, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा ऊपर देखिए, ऊपर देखिए जामुन का पेड़ है, इसके नीचे मैं इसको रख दिया, इसीलिए थोड़ा थोड़ा धूप आते हैं, जैसे सेमी सेट में होते हैं ऐसा ही। ये भी सेमी सेट में भी ये चल सकता है, और जिसके बालकनी में थोड़ा धूप आते हैं सेमी सेट की तरह, वो बालकनी में भी इस पौधा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। मेरे यहाँ नहीं होगी तो आपके वहाँ क्यों होगी। इसके फर्टिलाइजर के बारे में बात करूँ तो मैं जैसे सब पौधा में देती हूँ, महीने में एक बार सरसों खली, इतना सा सरसों खली 2 लीटर पानी में भिगा कर 2 दिन वही पानी छान कर और थोड़ा पानी मिलाकर इसके सॉइल के ऊपर दे देती हूँ, महीने में एक बार वही काफी है। और मैं जैसे करती हूँ सब्जी का छिलका, फ्रूट्स का छिलका एक बाल्टी में रखकर 1 लीटर पानी देकर 2 दिन भिगा कर रखती हूँ, वही पानी मैं देती हूँ वीक में एक बार या 2 बार, उसके साथ थोड़ा एंटी फंगल पाउडर मिलाकर देती हूँ, क्योंकि हमारे इधर बहुत बारिश हो रहा है इसीलिए मुझे एंटी फंगल पाउडर यूज करना ही पड़ता है। और देखिए इधर देखिए ये सब कली है, ज्यादा कली या फूल आप लोग चाहते हैं तो म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये देखिए पोटाश, ये तो केमिकल है, मैं केमिकल यूज करती नहीं इसीलिए मैं इसको देती नहीं, लेकिन आप लोग यूज कर सकते हो। मैं क्यों नहीं देती, मेरा गमला में ज्यादा मिट्टी तो है ही नहीं, केमिकल यूज करूँ तो क्या होता है मिट्टी हार्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन एक दो बार यूज करने से ज्यादा कुछ नहीं होते। आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो, और पोटाश देना है क्योंकि फूल फ्लावर के लिए पोटाश की जरूरत होते हैं, इसीलिए आप लोग दे सकते हो। मैं क्या करती हूँ, जो सब्जी का छिलका होते हैं उसमें, केले का छिलका होते हैं उसमें बहुत सारे पोटेशियम आयरन सब कुछ होते हैं, उसमें ये फ्लावर हो जाते हैं। आप लोग ज्यादा चाहते हो तो ये यूज कर सकते हो। इसका फर्टिलाइजर ज्यादा देना होगा जुलाई अगस्त में, क्योंकि सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर में फर्स्ट वीक में इसका फ्लावर आ जाते हैं, इसलिए 2 महीने पहले आपको इसका ज्यादा देखभाल करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर देना है तो उस टाइम पे क्या देना है, नीम खोली 2 टीस्पून, बोन मिल 2 टीस्पून, सरसों की खली 2 टीस्पून, थोड़ा एप्सम साल्ट भी आप दे सकते हो उसके साथ, और थोड़ा कैल्शियम के लिए मैं क्या करती, अंडे के छिलका के अच्छी तरह धो लेती हूँ, उसको सुखा कर उसको पाउडर बनाती हूँ, वो भी दीजिएगा। ज्यादा देने से कुछ नहीं होगा, ऑर्गेनिक है कुछ नहीं होगा। और एंटी फंगल पाउडर देना है 1 टीस्पून, यही करके फर्टिलाइजर देना है। इसमें बहुत पेस्ट अटैक होते हैं, जैसे कैटरपिलर बंगाली में सुआ पोका बोलते हैं, बहुत इसमें ऊपर से नीचे तक आ जाते हैं और पत्ता भी खा लेते हैं, और भी होते हैं थोड़ा थोड़ा काला काला सा, हमारे इधर लाही कीड़ा बोलते हैं वही लग जाते हैं, सफेद सफेद भी कीड़ा वो भी लग जाते हैं। इस टाइप का कीड़ा ये हरसिंगर प्लांट का पत्ता खाते हैं, देखिए चूस चूस के, अभी मैं दिखा रही हूँ, इसको मैंने फेंका नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं रख दिए, जैसे कैटरपिलर होते हैं उस टाइप का इस कीड़ा होते हैं। और ये भी देखिए ये स्नेल, ये मिट्टी में होते हैं, देखिए जा रहे हैं, ये हो जाते हैं। महीने में एक बार मैं एक मुट्ठी नीम खोल गमला के साइड पे दे देती हूँ,
ज़्यादा बारिश हुए इसीलिए ये सब हो गया। आप लोगों को भी ऐसा ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो पूरा प्लांट खराब हो जाएगा। देखिए चल रहे कैसे चल रहे, देखिए। इसके लिए मैं पहले नीम ऑयल देती हूँ, महीने में 2 बार या 3 बार 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर पूरा स्प्रे कर देती हूँ शाम को, शाम 5 बजे के बाद। नीम ऑयल से नहीं किया तो रोगर प्लस 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप्स मिलाकर इसे स्प्रे करती हूँ वही शाम 5 बजे के बाद। एंटीफंगल पाउडर भी मैं यूज करती हूँ, स्प्रे करती हूँ शाम को ही 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच मिलाकर इसमें स्प्रे करती हूँ 10 दिन में 1 बार, महीने में 2 बार या 3 बार यही करना है। ग्रोथ के लिए मिराकुलन मैं यूज करती हूँ। मिराकुलन 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच या 30 ड्रॉप्स मिलाकर इसमें स्प्रे करना है सुबह सुबह 7-7:30 बजे में स्प्रे कर दीजिएगा, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। आज और नहीं, मैं बहुत सारी बातें बोल दिए, और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यही तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।